हाँ तो स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पैलेट। तो देखिए पैलेट जो होता है रूफ बनाता है, बकल कैविटी का रूफ बनाता है। पैलेट के दो पार्ट होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट का कंपोजिशन अलग होता है, सॉफ्ट का अलग होता है। यहां देख लीजिएगा, पैलेट फॉर्म रूफ ऑफ द बकल कैविटी। पैलेट के दो पार्ट होते हैं, पैलेट हैव टू पार्ट्स, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। अब जो हार्ड पैलेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉफ्ट पैलेट में कुछ क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा। हार्ड पैलेट जो होता है वो पैलेट का एंटीरियर पार्ट होता है और वो दो बोन से मिलकर बना होता है, मैग्जिला बोन एंड पैलेटाइन बोन। ये तो ह्यूमन बींग के अंदर है, लेकिन यदि अपन रैबिट की बात करते हैं तो उसमें तीन बोन होती है, प्री मैग्जिला, मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन। तो देखना है आपको, इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट विच इज मेड अप ऑफ पैलेटाइन एंड मैग्जिला बोन इन द ह्यूमन। फिर मैंने नोट करके लिखा है, इन रैबिट प्री मैग्जिला, मैग्जिला एंड पैलेटाइन। रैबिट के अंदर इन तीन बोन का फ्यूजन होता है। उसके बाद में जो वेंट्रल सरफेस जो होता है हार्ड पार्ट का, वहां पर हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं पैलेटाइन रुगे। यहां लिखा हुआ है वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट है ट्रांसवर्स रिजेस या प्रोजेक्शन आर कॉल्ड वेलेटाइन रुगे। अब इनको गॉड ने क्यों बनाया, क्योंकि जो रुगे जो होते हैं वो जब फूड जब होता है ओरल कैविटी में तो उसको होल्ड करने का काम करते हैं, जिससे क्या है कि जो चेविंग मूवमेंट है वो अच्छे से प्रॉपरली हो सके। इसलिए तो पैलेटाइन रुगे हेल्प इन द होल्डिंग द फूड, जो कि मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, चेविंग मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद में है सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट जो होता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है पैलेट का, और जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और यहाँ है जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जो एपिथीलियम है वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। यानी कि देखिए सॉफ्ट पैलेट जो होता है इट इज पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। उसके बाद में मैंने आप लिखा है सॉफ्ट पैलेट तो पोस्टीरियर पार्ट हो जाता है, जबकि अपन पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो पोस्टीरियर जो मोस्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं यूविला या विलम पैलेटाइन। यहां लिखा हुआ है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट हैंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ द फिंगर लाइक प्रोसेस, वो आपको दिख भी जाएगा, फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड एज यूविला या विलम पैलेटाइज को कहते हैं। अब देखिए विलम पैलेटाइ का जो डॉर्सल जो सरफेस होता है, ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द यूविला इंटरनल नेजल पोर्स होते हैं, इंटरनल नेजल पोर्स होते हैं। अब ये यूविला का जो फंक्शन होता है वो होता है जब अपन खाने को अपन जो स्वेलिंग कर रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं खाने को, जब स्वेलो करते हैं इंजेशन ऑफ द फूड के टाइम क्या होता है, जो ओपनिंग होती है इंटरनल नेजल पोर्स की उसको ये कवर कर लेता है, उसको ये कवर कर लेगा तो वहां पर फूड पार्टिकल जाएगा नहीं, तो फूड जो होता है नेजोफेरिंक्स के अंदर नहीं जाएगा। ये अपन को इंपॉर्टेंट देखना है, यूविला कवर्स द ओपनिंग ऑफ इंटरनल नेजल पोर्स ड्यूरिंग इंजेशन ऑफ फूड सो फूड पार्टिकल कैन नॉट मूव इनसाइड द नेजल चैम्बर। वो हम आगे आपको बताएंगे नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स क्या है, उधर लिखा हुआ है, क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद में ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको कि लेटरल हाफ जो होता है सॉफ्ट पैलेट का वो पैलेटाइन टॉन्सिल रखेगा। हम इसके बाद बताएंगे, इसके बाद टॉपिक के बाद बताएंगे आपको, जो लास्ट में जो इसका बच जाता है वॉल्डियर रिंग, वॉल्डियर रिंग के अंदर पाए जाते हैं ये टॉन्सिल्स, वो अब आपको बता देंगे पैलेटाइन टॉन्सिल्स वगैरह पूरा। फिर आप आ जाइएगा कि जो सॉफ्ट पैलेट जो होता है उसकी जो पोजिशन होती है वो होती है फेरिंग्स में, तो फेरिंग्स को तीन पार्टों में डिवाइड कर देता है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट और लोअर मोस्ट पार्ट। वो आपको देखना है कि सॉफ्ट पैलेट इज सिचुएटेड इन द फेरिंग्स एंड डिवाइड इट इनटू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं, अपर पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स उसे अपन कहेंगे नेजोफेरिंग्स, जो नेजल की तरफ आ रहा है वो नेजल चैम्बर से रिलेटेड है। लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स वो ओरोफेरिंग्स यानी कि ओरल कैविटी से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया ना यहां पर कि ये फूड पार्टिकल्स को कहां नहीं मूव करने देता, नेजल चैम्बर यानी कि नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स की तरफ मूव नहीं करने देता है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात है नेजोफेरिंग्स के अंदर वो है ओपनिंग्स ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब, वो हम आपको वो भी पढ़ाएंगे यूस्टिकियन ट्यूब का और क्या फंक्शन होता है। वन पेयर ऑफ ओपनिंग्स ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब वो प्रेजेंट होती है नेजोफेरिंग्स के अंदर। आपको पता है कि जो यूस्टिकियन ट्यूब जो होती है वो प्रेशर को इक्वलाइज करती है, जिससे क्या होता है हमारा जो ईयर ड्रम जो होता है वो डैमेज नहीं हो जाए,
ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये आपको जब ईयर पढ़ाएंगे, जब ईयर आएगा टॉपिक, तो वहां पर इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, वहीं इसका फंक्शन है। उसके बाद में देखिएगा फेरेंक्स, फेरेंक्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फेरेंक्स एक कॉमन पाथवे होता है, फूड के लिए भी होता है, एयर के लिए होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये आपको देखना है क्यों क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि फेरिंग सही रास्ते जा रहे होते हैं, एयर एयर के लिए भी जा रहा होता है, फूड के लिए भी जा रहा होता है, एपिग्लोटिस को डिवाइड करता है। मैं आगे आपको बता दी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, आगे देखिएगा फेरिंग्स इज कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड, व्हाई वो नीचे आपको मालूम चल जाएगा क्यों, क्योंकि लोअर मोस्ट जो पार्ट होता है फेरिंग्स का उसे कहते हैं लैरिंगो फेरिंग्स। तो जो लैरिंगो फेरिंग्स होता है उसके अंदर दो ओपनिंग पाई जाती हैं, एक ओपनिंग होती है गलेट और एक होता है ग्लोटिस। तो अपने आप जान सकते हैं आप, जो गलेट जो होता है वो रिगार्डिंग होता है एसोफेगस, और एसोफेगस किसका पार्ट है, फूड कैनाल का पार्ट है, इसका मतलब है कि वहां फूड के लिए एंट्री है। नीचे वाला जो ग्लोटिस जो होता है वो रिलेटेड होता है वाइंड पाइप यानी कि ट्रेकिया से, इसका मतलब वो एयर के लिए होता है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि जो इसो जो फेरेंस जो होता है वो कॉमन पाथवे है फॉर एयर एंड फूड बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इसोफेगस एंड वाइंड पाइप यानी कि ट्रेकिया। अब यहां से और ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ओपनिंग ऑफ इसोफेगस है वो कौन से पार्ट पर, तो डॉर्सल ओपनिंग होती है जबकि ग्लोटिस जो है वो वेंट्रल ओपनिंग होती है। ये आपसे पूछेगा, गलेट जो है डॉर्सल ओपनिंग है जबकि ग्लोटिस जो होती है वो वेंट्रल ओपनिंग है। उसके बाद में आपको एपिग्लोटिस याद आ रहा है तो देखिएगा एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्लोटिस को कवर करती है, याद रखिएगा ग्लोटिस को कवर करती है क्योंकि फूड ट्रेकिया के अंदर नहीं जाना चाहिए, फूड यदि ट्रेकिया के अंदर गलती से चला गया तो लंग्स में चला जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, वो आपके अभी सिलेबस से बाहर है। एम्बोलिज्म क्या होता है, उसे क्या होगा कि कार्डियक अटैक भी आ सकता है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो जाएगा, तो वो भी आपको सिलेबस में नहीं है। अब कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कवर करती है ग्लोटिस को, ध्यान रखिएगा ग्लोटिस को कवर करती है गलेट को नहीं, राइट, जब अपन फूड स्वॉलो कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। एपिग्लोटिस क्लोज ग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू वाइंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, ये आपको देखना है, जब स्वॉलो कर रहे होते हैं फूड को तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेता है, उसके नाम से पता लग रहा है एपी मतलब ऊपर है, ग्लोटिस के ऊपर है। उसके बाद में हमने आपको बताया कि जब स्वॉलो करते हैं हम फूड को तो उस टाइम हमको ब्रीदिंग नहीं होती है, ये आपने कई बार खुद भी आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखा है ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ऑफ द फूड तो क्या होता है, ब्रीदिंग रेट जीरो होती है, उसे कहते हैं ब्रीदिंग एपनिया, एपनिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग नहीं हो रही है, ब्रीदिंग एपनिया उसको कहते हैं, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है वो आपको जब रेस्पिरेटरी जब पढ़ाएंगे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वहां आपको अच्छे से उसमें बता दिया जाएगा। तो इसके बाद हम बताने जा रहे हैं वाल्डेयरिंग, हमने आपको बताया था कि जो टॉन्सिल्स हैं, अब आपको टॉन्सिल मालूम पड़ जाएंगे कि टॉन्सिल्स कहां पे प्रेजेंस होते हैं, किस लेयर में किस रिंग में होते हैं, तो टॉन्सिल्स का रिंग पाया जाता है, उस रिंग को अपन कहते हैं वाल्डेयरिंग। हमारे जो ओरल कैविटी होती है उसमें चार टाइप्स होते हैं टॉन्सिल्स के, लिंगल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल और एडेनोइड टॉन्सिल। एडेनोइड टॉन्सिल को आपके नीट के हिसाब से कह देते हैं फेरिंगियल टॉन्सिल, बात एक ही है। तो आपको समझना है कि वाल्डेयरिंग होती क्या है, जितने भी टॉन्सिल्स होते हैं कि बक्कोफेरिंगियल कैविटी, बक्कोफेरिंगियल कैविटी यानी कि ओपनिंग ऑफ द माउथ, अंदर देखते हैं तो बक्कोफेरिंगियल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं रिंग के अंदर, रिंग को कहते हैं वाल्डेयरिंग। फोर टाइप्स के टॉन्सिल्स हैं जो अभी आपको बता चुका हूं, लिंगुअल, पैलेटाइन, ट्यूबल और एडेनोइड। जिस हिसाब से मैंने आपको बनाया है उसी हिसाब से आपको समझना होगा, इतना आप याद रखिएगा। ये एंटीरियरली है, आगे की तरफ है और ये पोस्टेरियरली पार्ट है, कहीं आप उल्टा कर लो तो आप देख लीजिए ये वाल्डेयरिंग है, इसमें एंटीरियरली पाया जाता है लिंगल, आप देख सकते हैं लिंगल टॉन्सिल। जब अपन ये तो एंटीरियरली बिल्कुल एंटीरियर मोस्ट हो गया, ये पोस्टीरियर मोस्ट हो गया, तो एंटीरियर मोस्ट पर होता है लिंगल टॉन्सिल, पोस्टीरियर मोस्ट पर होता है एडेनोइड या जिसको अपन कहते हैं फेरिंगियल टॉन्सिल, फिर ये बात हो जाती है लेटरली। अब देखिए लेटरली भी दो है, एंटीरियो लेटरली और पोस्टीरियो लेटरली। एंटीरियो मतलब आगे की तरफ है लेकिन लेटरली है, पोस्टीरियो लेटर मतलब होता है पीछे की तरफ है लेकिन लेटरली है। तो एंटीरियो लेटरली पूछेगा तो आंसर जाएगा पैलेटाइन टॉन्सिल, और पोस्टीरियो लेटरली पूछेगा तो आंसर जाता है ट्यूबल टॉन्सिल। देखिए एंटीरियर मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, तो हम कहना चाह रहे हैं एंटीरियर मोस्ट पर तो मिलेगा आपको लिंगुअल टॉन्सिल और पोस्टीरियर मोस्ट पर आपको मिलेगा एडेनोइड टॉन्सिल, जबकि दोनों ही लेटरली है, दोनों ही साइड में है, इसको कहते हैं लेटरल मतलब साइड, लेकिन साइड में भी एक आगे और एक पीछे है, आगे वाला मतलब एंटीरियो लेटरल, तो एंटीरियो लेटरल आएगा पैलेटाइन।
और पोस्टीरियर लेटर तो आंसर जाता है ट्यूबल टॉन्सिल, ये पूरा रिंग बनाता है जिसे अपन कहते हैं वर्ल्डियर रिंग। अब ये टॉन्सिल जो होते हैं भाई, आज जब एमबीबीएस में जाओगे आपका एस्ट्रोलॉजी इनकी मालूम पड़ जाएगी, वो आपके अभी सिलेबस में है नहीं है। बाकी ये जो है इन्फेक्शन से बचाते हैं, वो आपको देखना है सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स जो टॉपिक है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होता है, सलाइवरी ग्लैंड ह्यूमन के अंदर थ्री पेयर्स होते हैं। थ्री पेयर्स में आता है पैरोटिड आता है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को कि ये दोनों ग्लैंड एक ही हैं क्या, क्या कहना चाह रहे हैं यहां, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो अब कुछ नहीं समझना है कि सब मैंडिबुलर ऊपर है, सब मैक्सिलरी नीचे, बनेगा पूरा पेयर ही बना है। ऐसा नहीं है कि सब मैंडिबुलर के दो पेयर है, सब मैक्सिलर के दो पेयर है, ऐसा नहीं है। एक सब मैंडिबुलर हो चुकी है तो एक सब मैक्सिलरी हो चुकी है, दोनों मिलकर के पेयर बन चुका है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो थ्री पेयर्स होते हैं, कौन कौन से पेयर है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, दो पूरा मिलकर के पेयर बन चुका है, दो है ना, तो एक पूरा पेयर हो चुका है, इनका अपना एक पेयर है, इसका अपना एक पेयर है, दोनों मिलकर के एक पेयर बना रही हैं। इसमें ध्यान दें आप, अगर आप सोच सकते हैं ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, यदि इनका डबल पेयर हो गया जैसे तो फोर हो गया, तो फोर तो है नहीं अपने में, थ्री पेयर है, तो ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, और ये दोनों मिलकर के एक पेयर बना रही है, सब मैंडिबुलर एट द जंक्शन ऑफ द अपर और सब मैक्सिलरी एट द जंक्शन ऑफ द लोअर जॉ। ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करेगा, एनसीईआरटी के अंदर ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं दे रखा है, मैंने क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको। तो देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है उसकी जो पोजीशन होती है वो होती है इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, यानी कि ये पैरोटिड ग्लैंड है। जब आप फर्स्ट एमबीबीएस में जाओगे तो डाइसेक्शन करने को मिलता है, पूरा पैरोटिड आपको नजर आएगा, उसके जितने भी एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर सुपीरियर जितने भी लोब्स वगैरह है सब आपको इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरा पैरोटिड ग्लैंड है इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, पीछे नहीं है, ध्यान रखना इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स है। उसके बाद में सब मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी जो होता है, सब मैंडिबुलर होता है एट द जंक्शन ऑफ द अपर, यानी अपर जो एंड लोअर जो जंक्शन में पाए जाते हैं, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर, ये समझना है आपको। उसके बाद में है सबलिंगल, सबलिंगल जो होता है टंग के नीचे पाया जाता है, बिलो टंग। ये तो हो गए ग्लैंड्स की लोकेशन, यानी कहां प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना है आउटसाइड द ओरल कैविटी, आउटसाइड द बक्कल कैविटी होती है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। देखिए इन ह्यूमन थ्री पेयर्स और सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, इसलिए मैंने लिखा आउटसाइड द बक्कल कैविटी, इन द बक्कल कैविटी नहीं है, बक्कल कैविटी के अंदर तो इनका सीक्रेशंस आते हैं, इनकी ओपनिंग्स आती हैं, ये जो सिचुएशन है ग्लैंड का वो तो आउटसाइड ही होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन होता है वो सलाइवा कहलाता है, और सलाइवा कैसा सीक्रेशन है, ईयर वैक्स हुआ, सलाइवा हुआ, ये सब क्या है, एक्जोक्राइन सीक्रेशन है, एंडोक्राइन नहीं है, दीज आर एक्जोक्राइन इन नेचर, तो इनके एक्जोक्राइन सीक्रेशंस होते हैं, मैंने लिख दिया है। उसके बाद में बात करते हैं पोजीशन ऑफ द सलाइवा, यानी कि सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है और सलाइवा का सिक्रेशन कितना होता है। तो डेली जो सिक्रेशन होता है वो सलाइवा का होता है 1500 ml पर डे, यानी कि 1.5 लीटर होता है पर डे के हिसाब से। उसके बाद में जो पीएच होती है वो 6.8 दे रखी है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन जो 6.8 है मैं आपको बता देता हूं, 6.8 जो पीएच दे रखा है वो इनएक्टिव फॉर्म को बता रहा है, जब ग्लैंड्स इनएक्टिव है, लेकिन जब एक्टिवली हो जाती है तो पीएच 8 हो जाता है। ये आपके नॉलेज के लिए, आपको नीट में कोई नहीं पूछेगा, जस्ट बताया मैंने आपको, एक्टिव फॉर्म में पीएच 8 हो जाता है। आगे देखिएगा कंपोजिशन जो होता है वो होता है 99.5% वाटर, यही है बचा हुआ आप देखते हैं तो वो मिलेगा आपको सलाइवरी एमाइलेज या एग्जैक्ट इसका सलाइवरी अल्फा एमाइलेज, जिसको अपन टाइलिन भी कहते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सलाइवरी जो एमाइलेज होता है या उसको जो टाइलिन कहते हैं उसका सीक्रेशन करता कौन है, तो मेनली जो उसका सीक्रेशन करता है वो है पैरोटिड ग्लैंड, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है। उसके बाद में है लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरियल साइडल होता है, बैक्टीरियल साइडल कैसे, जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक सके, या उसका एंटी बैक्टीरियल, एक ही बात है। उसके बाद उसमें म्यूकस होती है और थायोसाइनेट होता है सलाइवा के अंदर। उसके बाद में जो भूल जाते हैं बच्चे, जो आपके उसमें नहीं दे रखा है लाइपेज, देख ध्यान रखिएगा, लाइपेज जो होता है लिंगुअल लाइपेज को इसलिए कहते हैं कि लिंगल्स में जो ग्लैंड पाई जाती है, टंग पर जो ग्लैंड पाई जाती है, उनकी सीक्रेशन से बनता है लिंगुअल लाइपेज, इसलिए उसको नाम दिया है लिंगुअल लाइपेज मैंने। उसके बाद में ये म्यूसिन है, म्यूसिन नेचर होता है, मतलब सीक्रेशन होता है, जैसे कि ग्लाइको प्रोटीन आप पढ़ोगे, ग्लाइको प्रोटीन क्या होती है, ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मतलब आप जानते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दो मिलकर के बनाती है ग्लाइको प्रोटीन, डेरिवेटिव होते हैं, ये हम आपको आगे पढ़ा देंगे जब डाइजेशन में अंदर घुसेंगे। उसके बाद में आता है आईजीए, तो आईजीए जो होता है फर्स्ट एंटीबॉडीज होती है जो कि इन्फेक्शन से बचाती है, कहां, जब बच्चा बाहर आ जाता है ना आफ्टर डिलीवरी, जबकि अपन यदि गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो वहां तो आईजीजी मिलता है, लेकिन आउटसाइड द, हाँ जब गेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है डिलीवरी के बाद, तो चाइल्ड को जो इन्फेक्शन से बचाता है वो है आईजीए, ध्यान रखिएगा ये बैक्टीरिया से बचाएगा और ये वायरस से ही बचाएगा।
उसके बाद में इसमें कुछ आयन्स होते हैं, मैंने शुरू में कुछ कैटायन लिख दिए हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, बाद में मैंने एनायन लिख दिए हैं, तो एनायन्स के अंदर आता है Cl- SCO3- फॉस्फेट और ब्रोमाइड, ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जब पैरेटरी ग्लैंड पर हम आपको लोकेशन बता चुके हैं, उसके बाद हम आते हैं साइज पर, तो सबसे बड़ा जो साइज होता है वो होता है पैरेटरी ग्लैंड का, और सबसे छोटा साइज होता है वो होता है सबलिंगुअल का, उसके जो मीडियम साइज आता है वो आता है सबमैंडिबुलर सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स का, पहली बात। दूसरी बात बात करते हैं अपन डक्ट की, तो देखिए डक्ट जो होता है पैरेटरी ग्लैंड का जो डक्ट होता है उसे कहते हैं एक्सटेंशन डक्ट, साइंटिस्ट का नाम एक्सटेंशन डक्ट। उसके बाद में सबमैंडिबुलर और इनका जो मिक्स डक्ट होता है उसको कहते हैं वार्डन डक्ट, तो वार्डन्स जो डक्ट होता है वो लॉन्गेस्ट डक्ट होता है, याद रखिएगा वार्डन्स लॉन्गेस्ट है, जबकि डक्ट ऑफ रेविनस, डक्ट ऑफ रेविनस जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड का डक्ट होता है उसे कहते हैं अपन शॉर्टेस्ट डक्ट, यानी कि सबसे छोटी है वो डक्ट ऑफ रेविनस, जबकि वार्डन डक्ट जो होता है वो लार्जेस्ट डक्ट होता है, याद रखना है। उसके बाद में इनकी जो ओपनिंग है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी जो ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग होती है इन द वेस्टिबुल ऑफ द अपर जॉ, याद रखिएगा, वैसे क्लियर है नहीं, वैसे मोलर के आसपास खुलती है, वैसे आपके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस आपको याद रखना है इन द वेस्टिबुल ऑफ द अपर जॉ, जबकि ये जो है बिहाइंड लोअर इंसाइजर, नीचे वाले जो इंसाइजर है उनके पीछे इनका ओपनिंग होता है, जबकि ये ओपनिंग होता है आपको इन द बक्टोफेरिंगल कैविटी ऑन वेंट्रल साइड ऑफ टंग, ध्यान रखिएगा वेंट्रल साइड ऑफ टंग, टंग के वेंट्रल साइड में इनकी ओपनिंग होती है, ये बस आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद में हिस्टोलॉजी है, तो हिस्टोलॉजी आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन हिस्टोलॉजी वैसे भी इंपॉर्टेंट है, यदि आपको पूछ ले तो मिक्स ग्लैंड कौन सी है, हिस्टोलॉजी के अंदर क्या होता है, दो टाइप की सेल पाई जाती है, सीरस सेल और म्यूकस सेल, अभी आपको एमबीबीएस में जाके पता लगेगा, फर्स्ट एमबीबीएस में हिस्टोलॉजी सब्जेक्ट होता है, वहां पर म्यूकस कैसी दिखती है, सीरस कैसी दिखती है, वो अभी आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो हिस्टोलॉजी में प्योरली सीरस किसमें मिलता है, तो प्योरली जो सीरस टाइप का जो सिक्रेशन होता है वो मिलता है पैरेटरी ग्लैंड, यानी कि प्योर है, मिक्स ग्लैंड नहीं है, याद रखना है, पैरेटेड प्योर ग्लैंड मानी जाती है, जबकि बची हुई दोनों मिक्स मानी जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा मिक्स में सीरस और म्यूकस दोनों होंगे, लेकिन सीरस ज्यादा है, सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी में सीरस ज्यादा है, यानी कि 4:1 के रेशियो में है, सीरस 4 है, 4 टाइम्स है, जबकि म्यूकस 1 टाइम है। ऐसे ही मिक्स की बात करते हैं, तो मिक्स में किसकी मिक्स की बात कर रहे हैं, सबलिंगुअल, तो सबलिंगुअल के अंदर सीरस है 1 टाइम और म्यूकस है 4, तो ध्यान रखिएगा सीरस का 1 पार्ट है जबकि म्यूकस का 4 पार्ट है, बिल्कुल अपोजिट है या एक दूसरे से। उसके बाद में बात करते हैं सलाइवा का जो कंपोजिशन है, जो सीक्रेशन जो होता है परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होता है वो होता है सबमैंडिबुलर सबमैक्सिलरी का, 70% होता है, सबसे कम पाया जाता है सबलिंगुअल का, और मीडियम जो है वो 25% पैरोटिड का है, 25% है पैरोटिड का, 70% होता है सबमैंडिबुलर सबमैक्सिलरी का, और सबसे कम यानी कि मिनिमम सीक्रेशन होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स का। उसके बाद मैंने आपको नर्व भी लिख दिए हैं कि नर्व कौन कौन सा सिक्रेशन कराती है, तो नर्व कौन से रिलेटेड होती हैं, तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है जो कि मोटर होता है, अब नर्व वगैरह सीएनएस में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पर आइडिया रखिएगा कि नर्व जो होता है यहाँ पर 9th नर्व होता है जिसको अपन ग्लोसोफेरिंजियल कहते हैं, जो कि मोटर होता है नेचर में मोटर। उसके बाद में 7th नर्व यानी कि फेशियल नर्व होती है जो कि मोटर है, यहाँ भी फेशियल ही होता है, तो बस सिंपल है याद करना, दोनों में फेशियल है, केवल पैरोटिड में ग्लोसोफेरिंजियल है, वो भी मोटर है, सारी मोटर है, वैसे इतना याद रखना है आपको।